जीतने के बाद सब पान सार के डर जाते, कोई भी नहीं आता, कोई भी पार्टी का आदमी काम नहीं किया। जीतने के बाद सब पान सार आम आदमी का विधायक जो है कभी भी लौट के नहीं आता इधर। समस्या सबसे बड़ी तो यह है भाई, बारिश में पानी भरता है, बंदे मर जाते हैं, ग्रंट लगते हैं, मच्छर बहुत है, नाली साफ ही नहीं होती है। बताओ क्या कर रहे हैं? कितने दिन में नहीं होती? अरे 6-6 महीने नजर नहीं आते, 2-2 महीने बताओ, कूड़ा निकालेंगे वहीं डाल देंगे और दोबारा फिर नाले में होता है वो। अब गरीब आदमी करंट लग के मर गया, कोई साला देखने वाला नहीं है। सब ने अपने पैसों का डाला है और 90 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए वो कहाँ गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। हमने दिए 3500 रुपए और पानी आया नहीं है भाई, पानी भी नहीं आ रहा। 3500 रोज होता है। दिनेश मोनिया ऑफिस में सबकी ऑफिस में यही होता है। हमने दीपक जैन को भी यही करके देख लिया, दिनेश मोनिया को भी देख लिया, पंकज गुप्ता को भी देख लिया, हर इंसान को जिता के देख लिया, पर किसी ने भी आज समस्या का समाधान संगम बिहार में नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन। आज हम उतरे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे और यहाँ के जो विधायक है श्रीमान दिनेश मोनिया और जो यहाँ के निगम पार्षद है पंकज गुप्ता जी बताए जा रहे हैं, और इस गली में समस्या ये बताई जा रही है कि साफ सफाई नहीं होती है, मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियाँ होती है, गंदगी रहती है, बरसात में पानी भर जाता है। तो यहाँ के जो समाज सेवा है हर चौधरी जी यहाँ आए थे, तो लोग जो है जनता जो है बोल पड़ी कि विधायक जी आते नहीं है, नालों की सफाई नहीं होती है। तो गली गली जाके यहाँ का जो समस्या को उजागर करने का जो काम कर रहे हैं हमारे हर चौधरी जो भाई हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस के कमेटी के मेंबर है। सर नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सर जैसा कि अभी हमने देखा कि आप इस गली में आए मच्छर वाली दवाई मारने के लिए, तो कुछ जनता बोल पड़े कि विधायक जी तो आते नहीं है, आप लोग आए हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए यही इसी चीज को उजागर करने के लिए मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और उन्हें जागरूक कर रहा हूँ कि वो अपने हकों की लड़ाई लड़े। उनका हक है, उन्होंने वोट दिया था, विधायक को चुना था, उनका हक है, उन्होंने यहाँ के पार्षद को चुना था। तो ना केवल अपने हकों को जाने बल्कि उनको लड़ाई लड़के उनके तक उनकी बात पहुंचाएं कि ताकि जो जिस जिम्मेदारी के लिए विधायक को चुना गया, जिस जिम्मेदारी के लिए पार्षद को चुना गया, वो यहाँ आकर अपना काम करे। लेकिन विधायक कभी पिछले 11 साल में यहाँ दिखता नहीं है, आता वो यहाँ है नहीं, लोगों की समस्याओं को वो नहीं वाकिफ है, ना वो जनता को जानता है, जनता उन्हें नहीं जानती है। तो कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिकेशन गैप है उनके बीच का, मैं वही जनता के बीच में जाकर लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि आपको अपने हकों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम लोग जरिया हो सकते हैं, हम लोग उन्हें बता सकते हैं, लेकिन जो उनके हकों की लड़ाई है हम उनके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन आवाज उनकी खुद उन्हें खुद बनना पड़ेगा। जिस गली में आप खड़े हैं उस गली के निवासी से हम बात करेंगे आपके सामने। सर थोड़ा पास में आ जाइए, आपका नाम? मेरा सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, अब जैसे हर चौधरी जी जो आए समाज सेवा करने के लिए, यहाँ पे जो मक्खी है मच्छर है उनकी दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, तो क्या इस चीज को लेकर कभी निगम पार्षद जी आए हैं गली में? नहीं, ऐसे तो कभी अभी तो कोई आए नहीं है यहाँ पे जी, ऐसा कोई यहाँ पे। तो कितना समय हो गया उन्हें देख रहे हुए? काफी समय हो गया, बरसात में मतलब वो ना के बराबर ही आए, कभी आते ही नहीं है। तो आपके गले में कोई विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य कोई ऐसा कुछ नहीं, विकास तो आपके सामने दिख लो कैसा विकास है। आंटी से एक बार आंटी जी आप कुछ कह रही है? विकास है, देखो ना आप, बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाता, हम लोगों के इतने मच्छर लगते हैं बहुत ज्यादा। हाँ वही तो कह रहे, क्या विकास है, देखो ना भैया ये क्या समस्या की बात क्या कर रहे हो भाई? यहाँ आपके सामने है, जरा ये देखिए, कभी भी कोई भी कोई आया ही नहीं देखने के लिए। आपके बीच हर भाई आए हुए हैं, हर चोरी जी आए हुए हैं, कभी विधायक जी आए आपके बीच? कभी नहीं आए हमारे बीच, कभी नहीं आए। निगम पार्षद जब से जीता है इस इलाके में झांकने भी नहीं आया है, इतनी गंदगी इतनी मच्छर ये सामने आप देख लो। वो तो कहते कि हमने साफ सफाई कहीं भी नहीं, आज तक लौट के भी नहीं आए। हाँ देखिए उन्होंने, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो मेन रोड है ना वो भी साफ नहीं है, गली तो छोड़ दो आप, जो मेन रोड जो दुनिया निकल रही है उस पर, वहाँ भी गंदगी जो मतलब हाथ से साफ करते जाके तो लोग बोलते जाके कि तुम रोक लोगे। बारिश में बाबे के कुमार के सामने गली है ना, इतना करके कूड़ा था, अभी बाबे के कूड़ा आया इतना। आप बताओ, देख लो ना आप खुद ही चल के, सामने है सारा समस्या। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? कैसे गुजारा, इतने से दस के जाते सारे लोग, जो जाना है मंडी में तो जाएंगे लोग, कैसे भी जाते हैं। अगर इस बार विधायक जी आते हैं आपके बीच, क्या कहेंगे आप उन्हें? उन्हें क्या कहेंगे, यही कहेंगे बस अपनी समस्या का समाधान कीजिए, जो भी आएगा जो भी अच्छा काम करेगा वही आएगा। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार? ये तो नहीं, आम आदमी पार्टी को तो आपने लगातार 10 साल हो गया दिखा रहे हो, तो काम कहाँ है? जो काम करे
आएगा। नहीं, हम मीडिया से आए हैं। हाँ? हम गली में जो मोटरसाइकिल लेके आते हैं जी? 10 साल से आपने आम आदमी पार्टी को जिताया है। देखो इन विधानसभा में सफाई कहाँ है, पानी कहाँ है, रोड कहाँ है, ये जवाब आप देंगे? आप वोट देते हैं ये हम जवाब देंगे? ये तो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, हम जवाब देने का कोई मर्जी नहीं बन रहा है। तो आप गली में देखो घुस के आप निकल जाओगे, आप यहाँ रह लोगे, आप इससे समस्या अगर जीतने के बाद सब 5 साल के लिए बैठ जाते, कोई भी नहीं आता, कोई भी पार्टी का आदमी काम नहीं किया। जीतने के बाद सब 5 साल ले जाते, आम आदमी का विधायक जो है कभी भी लौट के नहीं आता इधर। क्या इस बार 2025 में बदलाव होगा? होगा, निश्चित रूप से होगा भाई, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। तो आपने ढाल लिया इस बार? होगा ही, इस बार बदलाव तो होना ही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये और पूछना चाहता हूँ कि माताओं बहनों को उसने वादा किया था पिछले 5 साल पहले होर्डिंग लगा के, पैम्पलेट लगा के, कि 90 करोड़ की लागत से सबको नल से जल मिलेगा। आप जरा पूछ लिए कि सबको अपने नलों से जल मिला, या इन्होंने जो लाइन डाली है सोनिया बैर की, यहाँ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो और लोगों ने जो डाली है वो सरकार ने डलाई है या इन लोगों ने खुद ने अपने पैसों की डाली अपने है? आप सब ने अपने पैसों का डाला है, और 90 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए वो कहाँ गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि विकास के लिए 90 करोड़ रुपए मिले, उस 90 करोड़ का हुआ क्या? वो सिर्फ 90 करोड़ रुपए हर घर तक नल के जो टूटियां हैं वहां तक पहुंचाने का काम था, उसमें सोनिया बिहार और कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ जो पाइपलाइन डलवाने का काम का सिर्फ 90 करोड़ था। और हमने, शीशपाल जी ने, कांग्रेस ने 96 करोड़ की लागत से सोनिया बिहार की पाइपलाइन डलवाई। हम सोनिया बिहार से संगम बिहार तक 96 करोड़ की लागत से एक पाइपलाइन डलवाते हैं। ये सिर्फ संगम बिहार के लिए यहाँ पे 90 करोड़ रुपए पास होता है और एक भी रुपया यहाँ पर लगता नहीं है। आप जान सकते हैं पब्लिक यहाँ खड़ी है कि उन्होंने अपने पैसों से डलवाया, सरकार ने वो पाइपलाइन डलवाई। अपने पैसे से 3500 रुपए दे के ये पाइप डलवाया है। हाँ जी, इस एरिया में आप किसी से भी बात करो। यहाँ के विधायक को जब पानी की समस्या के लिए बताया गया तो कुछ दिन पहले विधायक आए हुए थे, उन्होंने बोला 3500 रुपए लगे, मैंने कि फुट के हिसाब से ले लो पाइप के, इतना मेरे घर में लग रहा कि नहीं 3500 रुपए लगे, चाहे 10 फुट लगे, चाहे 5 फुट लगे, चाहे 20 फुट लगे। हमने दिए 3500 रुपए और पानी आया नहीं है भाई, पानी भी नहीं आ रहा। 3500 सबने दिया आंटी? आप लोग हर घर से अलग अलग सब दिया है 3500। आप देख सकते हैं यहाँ लगभग सैकड़ों की तादाद में घर है, मकान है, और एक घर से 3500 रुपए, हर भाई एक घर से 3500 रुपए लिए गए हैं। इतना घोटाला क्यों हो रहा है आम आदमी पार्टी सरकार में? देखिए, ये तो सिर्फ आप इस 3500 रुपए की अभी अगर आप कैलकुलेट करेंगे कितना है, ये तो 3500 रुपए की बात हुई जो इन्होंने अपना पाइपलाइन डलवाई है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो टैंकरों के थ्रू माफिया जो उगाही हो रही है, हर टैंकर पे 1500 रुपए उगाही होती है, 1000 रुपए उगाही होती है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि हर टैंक इस क्षेत्र में कितने टैंकर चल रहे हैं, उस टैंकरों का जो पैसा है उगाही है वो किसके पास जा रहा है? नहीं, सबसे बड़ा हर पर सवाल आता है हम जी कि लोगों को इतने सारे दिक्कत को झेलने के बावजूद भी 10 साल हो गए, तीसरे टर्म में भी लोगों का विश्वास बोलो कैसे जीत सकते हैं ऐसे करके? देखिए, जनता हमारी बहुत भावुक जनता है, बहुत दिल से सोचने वाली जनता है, और कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो वो उनके झूठे वादों में आ जाती है। वो उनको ऐसे सपने दिखा देते हैं, ऐसे वादे कर देते हैं, तो जनता को लगता है कि नहीं, शायद इन्होंने ही हमारा भला कर पाएंगे। लेकिन अब जैसा जनता जान रही है, जागरूक हो रही है, पहचान रही है असली और नकली में, उन्होंने उस भेड़िए को भी पहचान लिया है जिस भेड़िए ने वो आम आदमी की खाल पहनी हुई है, लेकिन वो है भेड़िया, वो इनको खा रहा है, इनको चूस रहा है, इनको नोच नोच के खा रहा है। इस बार जनता बदलाव के पूरे मूड में है और बदलाव होके रहेगा। सर, मैं आपको, मैं होगा जब पहले काम होगा, पहले हमें लगेगा कि आज आदमी काम कर रहा है उसी को चुना जाएगा। क्यों? हर आदमी जीतने से पहले यही चीज बोलता है, हर आदमी जीतने से पहले यही चीज बोलता है कि हम कराएंगे काम, हमें जिताओ। जब जीतने के बाद उसके ऑफिस पर जाओ तो कह देता है अभी नहीं विधायक मिलेंगे, बाद में आना। तो हम लोग गेट खटखटा खटखटा के चले जाते हैं, पर कोई भी आदमी आवाज नहीं देता कि हम हैं यहाँ जो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। ये दिनेश मोनिया के ऑफिस में रोज होता है, दिनेश मोनिया ऑफिस में, सबके ऑफिस में यही होता है। हमने दीपक जैन को भी यही करके देख लिया, दिनेश मोनिया को भी देख लिया, पंकज गुप्ता को भी देख लिया, हर इंसान को जिता के देख लिया, पर किसी ने भी आज समस्या का समाधान संगम बिहार में नहीं किया।
नहीं आप ठीक कह रहे हो, आप परेशान हो आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप परेशान हो, लेकिन मैं आपको, आप पता नहीं यहाँ कब से रह रहे हैं, यहाँ पर जब यहाँ बाघ थे, जब बाघ थे रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर बिजली नहीं थी, बिजली शीशपाल जी ने, बिजली किसने दी, शीशपाल जी ने दी, दी नहीं दी बिजली, दी नहीं दी आप आंटी जी, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, यहाँ बिजली शीशपाल जी ने दी आपको दी, यहाँ सोनिया विहार की जो पाइपलाइन, जो पानी हर पूरे संगम विहार में सोनिया विहार है, वो किसने डलवाई, वो शीशपाल जी ने डलवाई। देखिए हमने जब हमारी जिम्मेदारी थी, शीशपाल जी की जिम्मेदारी थी, तब उन्होंने आपको पानी बिजली दी, आपको पानी की लाइन डलवाई, हेडपंप यहाँ डलवाए, डी ब्लॉक में डिस्पेंसरी उन्होंने बनवाई, आपका एसडीएम ऑफिस आपको साकेत जाना पड़ता था, आपका एसडीएम ऑफिस बतरा के पीछे लेकर आए, जो स्कूल थे टेंटों में चलते थे तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, स्कूलों का निर्माण किया हमें 10 साल में, उस समय जो कार्य का काम हो सकते थे हमने उस समय करे। आज लेकिन जब मैं समझता हूँ आप परेशान, और होना भी चाहिए, आपको अपनी आवाज ऐसे ही उठानी चाहिए, क्योंकि वरना आदमी जंगम व्यार का सोया हुआ है आज, वो नहीं दबानी चाहिए आपको, बिल्कुल वोट की कीमत उतनी है जो आज किसी की भी कीमत नहीं है, वोट से ही राजा बनते हो और वोट ही वाले भिखारी बना देंगे। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? विधायक जी को ये कहना चाहेंगे, पहले काम करो और हम आपके साथ हैं, पहले काम करो, बिल्कुल काम निवास तो दे, नहीं हुआ ना, नहीं पहले नहीं हुआ तभी तो आज हम थके भाई बैठे हैं, तभी तो थके भाई